सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू वर्चुअल राशन फोटोग्राफी। गाइस, अगर आप लोग फोटो को एनहांस करने के लिए रेमनी एप्लीकेशन का उपयोग करते हो और आपको भी एड का प्रॉब्लम आता है, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस न्यू वर्क के अंदर मैं आप सभी को टॉप 3 फोटो एनहांसिंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसका आप लोग उपयोग करके बिना एड और वाटरमार्क का अपने ब्लर फोटो को 4K HD अल्ट्रा बना सकते हो, जस्ट इस प्रकार का। तो अगर आपको भी अपनी फोटो को इस टाइप से HD बनाना है, तो आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि इस वाला वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहिए, और वीडियो का एक भी पार्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को 1 लाइक और जरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चले बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम फोटो ट्यून है। इसे डाउनलोड करने के लिए जस्ट आपको अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर को यहाँ पर कुछ इस टाइप से ओपन करना पड़ेगा। एंड अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करके PHOTO TUNE लिख के यहाँ पर इसको सर्च करना है। सर्च करते ही आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन खुल के आता है, तो यहाँ पर इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना। मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो उसी वाले ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस वाले एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। हल्का सा यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। इस वाले ऐप को ओपन करते ही डायरेक्ट आपके सामने गैलरी ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस फोटो को 4K HD अल्ट्रा बनाना है उस वाले फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करना है इस प्रकार से। एंड अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे में इनहेंस का एक टूल देखने को मिलता है, तो उसी वाले इनहेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इनहेंस के ऑप्शन पे क्लिक करते ही कुछ इस टाइप से आपके सामने लोडिंग होगा, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको लोडिंग होने देना है। यहाँ पर 100% तक होने देना है। पहले यहाँ पर देख सकते हो 100% तक हो रहा है। तो मेरे भाई, यहाँ पर ये 100% हो चुका है, जो कि आप लोग देख रहे हो। 100% होता ही आपका फोटो यहाँ पर HD के अंदर बन जाएगा, जो कि बिफोर आफ्टर यहाँ पर देख रहे हो। मैं आपको फोटो को जूम करके भी दिखलाता हूँ कितना ज़्यादा HD में बन चुका है फोटो। यहाँ पर देख सकते हो पहले का और अभी का कितना अंतर आ चुका है। तो इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको 4 टूल और देखने को मिलता है, जिसका आप लोग उपयोग करके अपनी फोटो को और बेहतरीन बना सकते हो। और फोटो को सेव करने के लिए ऊपर में डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो गैलरी के अंदर इजीली यहां पर सेव कर सकते हो। मैं आपको गैलरी को भी ओपन करके दिखलाऊंगा। यहां पर देख सकते हो, मैं गैलरी को ओपन कर रहा हूं, और ये रहा हमारा फोटो जो कि देख सकते हो। अब सेकेंड एप्लीकेशन का नाम इनहेंस फॉक्स है। इसको भी आप लोग प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए सिंपली प्ले स्टोर को अपने फ़ोन में ओपन करना है इस प्रकार से। एंड अब आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, इनहेंस फॉक्स यहाँ पर लिखना है, ENHANCE और FOX लिख के यहाँ पर इसको सर्च करना है। सर्च करते ही आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आएगा, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो उसी वाले ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इस वाले ऐप को अपने फ़ोन के अंदर ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, नीचे में प्लस का एक टूल देखने को मिलता है, तो इसी वाले प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो नीचे की साइड में चूज फ्रॉम एल्बम के नाम से एक ऑप्शन आएगा, तो इसी वाले चूज फ्रॉम एल्बम के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जिस फोटो को आप लोग HD बनाना चाहते हो उस वाले फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हमने अभी क्या किया, इस वाले फोटो को सिलेक्ट कर लिया है, जो कि आप लोग देख रहे हो। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे की साइड में इनहेंस के नाम से एक टूल आएगा, तो इसी वाले इनहेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इनहेंस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर क्या करना है, वॉच एड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक ऐड आएगा, तो ऐड को आप लोग फुल देख लेना। यहाँ पर एक ही बार ऐड आएगा। गाइज, मैंने यहाँ पर क्या किया, ऐड को यहाँ पर फुल वॉच कर लिया है। एंड अब यहाँ पर क्या करते हैं, कट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो कट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही फिनिश हो जाएगा। और देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा HD के अंदर फोटो बन चुका है। मैं आपको बिफोर आफ्टर भी दिखलाता हूँ। यहाँ पर ऊपर में दिया गया है बिफोर आफ्टर का टूल, तो इसी वाले बिफोर आफ्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। और फोटो को सेव करने के लिए ऊपर में एरो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपनी फोटो को सेव कर लेना। अब थर्ड एप्लीकेशन का नाम ARBID है। इसे डाउनलोड करने के लिए जस्ट आपको अपने फ़ोन में यहाँ पर क्या करना है, प्ले स्टोर को यहाँ पर कुछ इस टाइप से ओपन करना पड़ेगा। एंड अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ARBID लिख के यहाँ पर इसको सर्च करना है, तो आपके सामने ये वाला ऐप खुल के आएगा। तो आप लोग अपने फ़ोन में इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आता है, तो इसी वाले ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं।
इस वाले ऐप को अपने फ़ोन के अंदर ओपन करते ही आपके सामने ऐसा ऑप्शन अब खुल के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, नीचे में प्लस का एक टूल देखने को मिलता है, हल्का सा हाइड है, तो इसी वाले प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट वाले टूल के ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट वाले टूल पर क्लिक करते ही फिर से आपके सामने बहुत सारे टूल्स खुल के आ जाएगा, जो कि देख सकते हो यहाँ पर कितना सारा टूल्स खुल के आ जाता है। इस एप्लीकेशन में आप फोटो को इन्हेंस करने के साथ साथ वीडियो को भी इन्हेंस कर सकते हो। फोटो को इन्हेंस करने के लिए नीचे में आपको AI रिपेयर के नाम से एक टूल देखने को मिलता है, तो इसी बोले AI रिपेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। AI रिपेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस फोटो को फोड़ के HD अल्ट्रा बनाना है उस वाले फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, एक फोटो को सिलेक्ट करके दिखलाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस वाले फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करते ही आपके सामने पहले लोडिंग होगा और लोडिंग होते ही इस तरह का टूल्स खुल के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, एक नीचे में HD के नाम से टूल देखने को मिलता है, तो इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पर फुल इंक्रीज कर लेना है। और अब सेकेंड नंबर पर 1080p के नाम से टूल देखने को मिलता है, तो इसी पर क्लिक करके इसको यहाँ पर क्या करना है, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्या करना है, 4K कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में 4K सपोर्ट करे तो 4K कर लेना, नहीं तो आप लोग 1080p पर कर सकते हो। तो मेरे फ़ोन में यहाँ पर 4K सपोर्ट कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, 4K पर क्लिक करता हूँ। और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कलर इन्हेंसर वाला टूल पर क्लिक करके इसको यहाँ पर ज़रूर से बढ़ाना है, ताकि आपका फ़ोटो कलर में दिखे। और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नाइट व्यू को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेना है, ताकि जितना भी ब्लैक पार्ट रहे सारा यहाँ पर वाइट हो जाए इस प्रकार से, तो इसको भी आप लोग फुल इंक्रीज कर लेना। और अब यहाँ पर क्या करना है, डन का एक बटन देखने को मिलता है, तो इसी वाले डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का टाइमिंग चलेगा, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको 100% तक होने देना है। जब तक ये 100% ना हो तब तक यहाँ पर इसको बैक वगैरह नहीं करना है, तो मैं 100% होने तक इसको वेट करता हूँ। मेरे भाई यहाँ पर ये 100% हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको देखने के लिए ऊपर में कंप्रेसर का एक टूल देखने को मिलता है, तो इसी वाले कंप्रेसर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंप्रेसर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, पहले का और अभी का आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा HD के अंदर बन चुका है, तो इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर हल्का सा कलर में भी हो चुका है, देख सकते हो। और अब फोटो को सेव करने के लिए ऊपर में सेव का एक बटन देखने को मिलता है, तो इसी वाले सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को यहाँ पर इजीली गैलरी के अंदर सेव कर सकते हो बिना वाटरमार्क और बिना ऐड का। अब आपको यहाँ पर क्या कहता हूँ, गैलरी को भी ओपन करके दिखलाता हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोले हैं कि भाई फोटो सेव नहीं हो रहा है, तो मैं अपने फ़ोन में गैलरी को भी ओपन करके दिखला दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो फोटो HD के अंदर सेव हो चुका है, और कितना शार्पनेस आया है फोटो में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फोटो को जूम करके भी दिखला रहा हूँ।